निकाल रहे यहाँ पर देखेंगे आप लोग, चलिए ना आप लोग बाहर निकले सब कोई। सभी अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे, भीड़ नहीं बनाएंगे। जगह दीजिए हमको आने के लिए, जगह दीजिए। अच्छी जगह पर बक्से में रख देना, अच्छी जगह पर बक्से में रख देना। कृपया सभी अपने अपने स्थानों में रहेंगे। आप संभालिए अपने आप को, समय मिलेगा बाद में देख लीजिएगा, अभी नहीं है समय। कृपा करके क्षमा कीजिएगा, माँ बाप अभी मत करिए, आपको समय मिला जाएगा। क्योंकि आगे का हमारा कार्यक्रम है, उसे करने दीजिए, क्षमा कीजिए माँ बाप। कृपया सभी बैठ जाएंगे, हमारा प्रार्थना का समय हो गया है। कृपया सभी बैठ जाएंगे, जो भी किनारे हैं, पीछे तरफ हैं, बीच में है, कृपया सभी अपना अपना जगह देख कर हमारा कार्यक्रम है कि हम अभी ईश्वर से उनके कर्मों को उनके पास सामने रखेंगे और उनके लिए दुआ मांगेंगे कि वे ईश्वर उन्हें
हम सब ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर से दुआ मांगना है तो हम शांति पूर्वक रहे। एवं यहाँ उपस्थित सभी शुभ चिंतकों, आप सबों को इस पवित्र मिसा समारोह में भाग लेने के लिए स्वागत करती हूँ। आज हम विशेष मतलब को लेकर प्रभु के वेदी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारे पर सच तो यही है कि आप अब हमेशा के लिए इस संसार से मुखड़नाएं यादें बनकर हमारे जीवन में आते रहते हैं, और यह उचित होगा कि आज हम पुनः हमारे बेटा भाई कुलदीप की बीती जिंदगी को जाने। वीर नौजवान कुलदीप का जन्म 17 जून 1992 में हुई थी। उनके पिता जेवियर लकड़ा और माता गुरती कुजूर के 3 पुत्रियां एवं सबसे छोटा एक लौता पुत्र कुलदीप लकड़ा था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जॉन्स स्कूल नवाटाड़ में ग्रहण की और मैट्रिक की परीक्षा 2009 तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा 2012 में पास की। तत्पश्चात सन 2014 में इन्होंने देश की सेवा के लिए अपना पहला कदम पटना दानापुर में रखा, जहां उन्होंने 3 नवंबर 2016 को 2 महीने की छुट्टी लेकर घर आए। वे अपने परिवार एवं पड़ोसियों के साथ अच्छी छुट्टी बिताई और पुनः 28 दिसंबर 2016 को बटालिक नामक स्थान पर वापस चले गए, और वहीं पर आकस्मिक दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु 6 अप्रैल 2017 को हो गई। हमारे भाई स्वभाव से ही मिलनसार एवं खुश मिजाज का था। वह हमेशा हंसमुख रहता था, उन्हें आनंद आता था। वह कभी भी माता पिता भाई बहनों एवं दूसरों को अपने विचारों बातों एवं कर्मों द्वारा दुख नहीं पहुंचाया। प्रभु की सेवा करना उनके जीवन में ज्यादा मायने रखता था। यही उपर्युक्त व्यक्तित्व सबों के मन और दिल को भाता था। आज हम सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके दुखित परिवार के प्रत्येक सदस्यों को ईश्वर की सांत्वना मिलने के लिए प्रार्थना करें। इन्हीं मतलबों को लेकर आइए हम इस पवित्र मिसा में भक्ति पूर्वक भाग लें। क्योंकि भीड़ बहुत है, काफी संख्या में हम यहाँ उपस्थित हैं, उसके आदर में हम पंक्तिबद्ध होकर के एक तरफ से आएंगे और एक तरफ से चले जाएंगे। इसलिए कृपया उस समय दर्शन के समय, आखिरी दर्शन के समय अनुशासन बनाए रखेंगे, और इसके बाद में दर्शन के बाद कब्रस्थान की ओर हम प्रस्थान करेंगे हमारे बैंड की मातमी धुन के साथ में, और बड़े आदर के साथ में हम कब्रस्थान में प्रवेश करेंगे, और उसके बाद में दफन की धर्म विधि। कृपया इस कार्यक्रम को सभी अनिवार्य समझें। तो अभी हम पवित्र यूखरिस्त की अगुवाई के लिए फादर सिप्रियन बा को आमंत्रित करते हैं। तो आइए हम अपने आप को मिसा बलिदान के लिए तैयार करें। यदि हम क्रिस्त में मर चुके हैं, यदि हम क्रिस्त में मर चुके हैं, तो क्रिस्त जिएंगे, हम जिएंगे, तो क्रिस्त जिएंगे।
हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा कुलदीप लकड़ा को जीवन दिया था और उस जीवन को ईश्वर फिर वापस ले लिया। आज हम उसके दफन विधि में भाग लेने के लिए आए हुए हैं, तो आइए हम लोग उनके पापों के लिए और अपने पापों के लिए भी हम प्रभु से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो परमेश्वर होकर तेरे तथा पिता आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। अभी हम लोग भक्ति पूर्वक पाठ सुनेंगे, आपस में बातचीत नहीं करेंगे। इन्हें सदा के लिए चट्टान पर उत्कीर्ण करेगा। मैं यह जानता हूँ कि मेरा रक्षक जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। मैं स्वयं अपने शरीर में खड़ा हो जाऊँगा और आँखों से उसी के दर्शन करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं ही हूँ पुनरुत्थान जीवन मिला है वह